ये डीमन पत्थर दिल है। वो हर दिन आन्या को पीटने के चक्कर में रहता है। वो आन्या को असंभव काम देता है ताकि उसे जमकर पीट सके। एक दिन बाहर जाने से पहले डीमन पंख से भरे कई बोरे आन्या के सामने खोल देता है और वो आन्या को उन्हें वापस से बोरों में भरने का हुक्म देता है, और अगर एक भी पंख छूट गया तो डीमन आन्या की सारी हड्डियां तोड़ देगा। अब आन्या तेजी से काम शुरू कर देती है, लेकिन पंख पूरे कमरे में फैल गए हैं। अब आन्या रोने ही वाली थी तभी एक सफेद शेर वहां प्रकट होता है। वो आन्या से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, अब तुम थोड़े देर के लिए सो जाओ। सफेद शेर के भरोसे पर आन्या सो जाती है और जब उठती है तो पूरा कमरा साफ सुथरा है और सारे पंख बोरों में बंद है। आन्या खुश हो जाती है। अब डीमन आकर ये सब देखता है, वो हैरत में पड़ जाता है। बौखलाया डीमन अब आन्या को एक तालाब के पास ले जाता है। वो उसको तालाब को खाली करने के लिए कहकर जाता है और अगर वो ये नहीं कर पाई तो वो उसकी खूब कुटाई करेगा। अब मायूस आन्या पानी निकालना शुरू करती है, लेकिन लूजर उसे कलछी भी छेद वाली देकर गया है। अब सफेद शेर फिर से प्रकट होता है। वो आन्या से कहता है, चिंता मत करो, बस तुम सो जाओ। आन्या सो जाती है और शेर तालाब का सारा पानी पी जाता है। अब आन्या जागती है तो तालाब उसे खाली मिलता है। डीमन आन्या से बहुत नाराज है क्योंकि वो उसे कभी भी पीटने का मौका नहीं देती। परेशान डीमन फिसल कर तालाब में गिर जाता है। अब अगले दिन डीमन आन्या के लिए एक नया काम ले आया है।